केंद्र सरकार के निषेध में स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग करते हुए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति और जय विदर्भ पार्टी द्वारा कलमेश्वर में आंदोलन किया गया। इस दौरान आंदोलनकर्ताओं ने पुतला जलाकर सरकार का निषेध भी किया। आंदोलनकारियों को उग्र होता देख पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को लोकसभा में विदर्भ के संबंध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जरिए बताया कि विदर्भ राज्य निर्माण केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसी वक्तव्य के निषेध में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति व जय विदर्भ पार्टी द्वारा मंगलवार को जय विदर्भ पार्टी अध्यक्ष अरुण केदार के नेतृत्व में कलमेश्वर के ब्राह्मणी फाटा में केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया। इस दौरान पृथक विदर्भ अलग होना चाहिए, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, कटेंगे मगर हटेंगे नहीं, विदर्भवादी हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जय जय विदर्भ के नारे लगाए गए। इस दौरान आंदोलनकर्ताओं को उग्र होता देख पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस आंदोलन में जय विदर्भ पार्टी अध्यक्ष अरुण केदार, उपाध्यक्ष युवा आघाड़ी विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मासूरकर, सहसचिव गुलाबराव धांडे, VRS कोर कमेटी सदस्य व नागपुर जिला संपर्क प्रमुख सुनील वडसकर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।